जल्लीकट्टू पर लगे रोक हटाने का विरोध जन आंदोलन में बदल चुका है। आज तीसरे दिन भी चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों की संख्या में छात्र और अन्य लोग डटे हुए हैं। मंगलवार रात से ही ये प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार को भी जल्लीकट्टू से रोक हटाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों, तकनीकी कामगारों, अभिनेताओं और राजनेताओं ने हजारों की संख्या में पूरे राज्य में प्रदर्शन किए। ये विरोध चेन्नई से लेकर राज्य के मदुरई समेत अन्य जिलों तक फैल चुका है, जहां लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। लोगों के भारी विरोध के चलते राज्य के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और पीएम को राज्य के हालातों से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटाने के लिए केंद्र सरकार से एक अध्यादेश लाने की मांग भी की है। हालांकि इस पर पीएम का कहना है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वही हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मरीना बीच पर हो रहे प्रदर्शन में वह दखल नहीं देगा। आपको बता दें कि आज राज्य के 31 कॉलेज रोक के विरोध में बंद रहेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल्लीकट्टू तमिल परंपरा का हिस्सा है और इस पर रोक जायज नहीं है। वही इस बीच अब अन्नाद्रुमक महासचिव वीके शशिकला ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कहा कि विधानसभा के अगले सत्र में जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने छात्रों से अपना प्रदर्शन बंद करने की अपील भी की है। तो जल्लीकट्टू को लेकर प्रदर्शन जारी है। राजनेताओं से लेकर अभिनेता तक सभी जल्लीकट्टू का समर्थन कर रहे हैं। उग्र होते प्रदर्शन पर अब केंद्र सरकार की भी पूरी नजरें हैं। वहीं प्रदर्शन को शांत करवाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से अब क्या कदम उठाया जाता है, ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।